दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों एक अवकाश की सूचना दे दूं, मंदसौर मंडी अनिश्चितकालीन बंद हो रही है सोमवार से 9 सितंबर 2019 सोमवार से मंदसौर मंडी अनिश्चितकालीन बंद है। तो किसान बंधुओं से निवेदन है अपनी उपज विक्रय हेतु मंदसौर मंडी में सोमवार से बिल्कुल न लाएं। उसका कारण ये है, हमाल संघ जो हमाल मंडी में हमाल यूनियन है उनके एक आवेदन है के ऊपर मंदसौर मंडी बंद की गई है। उनका यह आवेदन है कि नगद भुगतान उनको किसी प्रकार से नहीं मिल रहा है और व्यापारियों द्वारा हमाली का भुगतान नेफ्ट चेक आरटीजीएस के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका हमाल लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। उनको चाहिए नगद राशि। तो दोस्तों नगद राशि तो मिलना संभव नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार का नियम आ चुका है, नगद राशि पर टैक्स लगेगा 2%, तो वो मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से हमाल यूनियन द्वारा मंडी बंद करने का एक पत्र मंदसौर मंडी कमेटी को दिया है और जिसके वजह से मंदसौर मंडी प्रशासन द्वारा सोमवार से किसान भाइयों से निवेदन किया गया है कि वो अपनी उपज विक्रय न लाएं जब तक समस्या का निराकरण नहीं होता है। और इस वजह से 9 तारीख से मंदसौर मंडी बंद रहेगी। दोस्तों यदि कल निराकरण होता है शनिवार को कुछ भी तो मैं आपको उसकी अपडेट दे दूंगा, नहीं तो वैसे फिर सोमवार से मंडी बंद रहेगी। और यदि चालू का भी कोई अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और मंदसौर मंडी सोमवार से बंद है। किसान भाइयों से निवेदन है अपनी लहसुन और अन्य जिनसे विक्रय हेतु मंदसौर मंडी में न लाएं। और यदि कल शनिवार को कुछ निराकरण होता है, मंडी चालू की सूचना होगी तो मैं आपको दे दूंगा, बाकी तो मंडी बंद है। तो नीमच मंडी चालू है, नीमच मंडी में अभी कोई अवकाश नहीं है। तो दोस्तों ये थी अवकाश की सूचना। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत।